अस्सलाम वालेकुम। मुजरमाला बोर्ड ने जो है डेट शीट वो जारी कर दी है मेट्रिक क्लासेस की, और उनका जो पेपर है उनका जो बाकायदा आगाज़ है वो यकम से हो रहा है। यकम डेट बरोज हफ्ता अरबी का पेपर होगा, और उसके बाद सिविक्स वर्चाबाफी और फिशन फार्मिंग का पेपर होगा। उसके बाद दूसरा पेपर होगा 3 डेट को, अंग्रेज़ी लाजमी होगा पहला ग्रुप, और उसके बाद दूसरा ग्रुप, और उसके बाद डेट नंबर 4 होगी, उसमें इकोनॉमिक्स का पेपर होगा, कंप्यूटर हार्डवेयर, पोल्ट्री फार्मिंग, ये बाकी जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं उनका होगा। 5 तारीख को पेपर होगा रियाजी जनरल साइंस पहला ग्रुप और साथ उसमें दोनों साइंस और आर्ट्स के, उसके बाद सेकेंड ग्रुप में भी यही पेपर होंगे। उसके बाद जुमेरात को इस्लामियत लाजमी का होगा 6 तारीख को पहला ग्रुप दूसरा ग्रुप, जुम्मा को 7 तारीख पंजाबी का पेपर होगा, और सेकंड टाइम जो पेपर होंगे आर्ट एंड मॉडल ड्राइंग ज्योग्राफी या इस तरह के होंगे, और 8 तारीख को फिजिक्स का पेपर होगा पहला ग्रुप, और उसके साथ जो आर्ट्स वाले हैं उनका इस्लामियात अख्तियारी का होगा पहला ग्रुप, उसके बाद फिजिक्स दूसरा ग्रुप, इस तरह दूसरे ग्रुप में दोनों पेपर होंगे। उसके बाद 10 तारीख को सोमवार वाले दिन केमिस्ट्री का पेपर होगा पहला ग्रुप, जनरल साइंस होगा, उसके बाद जो सेकंड ग्रुप में होंगे वो भी केमिस्ट्री और जनरल साइंस का होगा। 11 तारीख को फारसी का होगा, ज्योमेट्रिकल एंड टेक्निकल अर्निंग का होगा, बिजनेस का होगा, और 12 तारीख को एजुकेशन का होगा, 12 तारीख को एजुकेशन का पेपर होगा फर्स्ट ग्रुप का, सेकंड ग्रुप का फिजियोलॉजी एंड और माहौलियाती मुताला, तारीख इस्लाम, तारीख पाकिस्तान। 13 तारीख जुमेरात वाले दिन पेपर होगा बायोलॉजी का पहला ग्रुप, और उसके बाद कंप्यूटर साइंस का होगा न्यू कोर्स पहला ग्रुप, और सेकंड टाइम जो पेपर होगा वो बायोलॉजी का होगा और कंप्यूटर साइंस का होगा। 14 तारीख जुमेरात को एलिमेंट्स ऑफ होम इकोनॉमिक्स, उसके बाद मतलब ये आर्ट्स वालों का पेपर होगा। 15 तारीख को हफ्ते वाले दिन पेपर उर्दू का होगा पहला ग्रुप, और उसके बाद सेकंड ग्रुप में उर्दू और साथ जोग्राफियाई जो उर्दू की जगह पे पेपर रखा जाता है। उसके बाद 17 तारीख को पेपर होगा मुताला पाकिस्तान का। तो ये थी डेट शीट, सेकंड ग्रुप में भी मुताला पाकिस्तान होगा।